अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म मैं आपके लिए वेजिटेबल फ्रूट्स हर्ब्स स्पाइस मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ, आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ और आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक हर्ब को सिलेक्ट किया है, एक जड़ी बूटी है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को नागर मोथा के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों इसके अलावा से नागर मोथ भी बोल दिया जाता है और दोस्तों इसके अलावा से साग कूफी भी बोला जाता है और दोस्तों इंग्लिश के अंदर इसे सिप्रियोल बोला जाता है। और दोस्तों मिजाज के अंदर ये गर्म खुश्क जड़ी बूटी है और दोस्तों ये घास नुमा पौधे की जड़ें होती हैं। और दोस्तों पाकिस्तान इंडिया के जो नहरें दरियाओं के किनारे अक्सर ये उगी हुई नजर आती है। एक आम बूटी है, उसकी जड़ें जो होती है खुशबूदार होती हैं। और दोस्तों इसे इंग्लिश चाइनीज हर्बल देसी मेडिसिन के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों नागर मोथा जो आपको जड़ी बूटी है आसानी के साथ हर छोटे मोटे पंसारी शॉप से मिल जाएगी, आप इसे हर्बल ऑनलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं। और दोस्तों गर्म खुश्क होने की वजह से इसे ज़्यादातर जो है उजलाती कमजोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दोस्तों दिल की सेहत के लिए भी ये बेहतरीन है। और दोस्तों इसके अलावा मैदे को ताकतवर बनाती है, सर्दी से होने वाले अमराज को दूर करती है, स्पेशल खांसी को दूर करती है, टीबी को दूर करती है। और दोस्तों ऐसे फ्राज जिनके मुंह के अंदर सलाइवा बहुत ज़्यादा पैदा होता है यानी राल बहुत ज़्यादा पैदा होती है और दोस्तों स्पेशली जब वो सोते हैं तो उनके मुंह से राल टपकती है। और दोस्तों अगर वो नागर मोथा जड़ी बूटी को इस्तेमाल कर लें तो उनका ये मसला दूर हो जाता है। और दोस्तों जिसम में से खारिश को दूर करता है, जिसम में से हर किस्म की सोजिश को दूर करता है। और दोस्तों आँखों की अद्वियात के अंदर भी इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा पेशाब के अमराज के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है और दोस्तों ये ब्लीडिंग को रोकती है। और दोस्तों इसके अलावा हुक्मा लोग जो है इसे दिमागी अमराज की अद्वियात के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों ये पेट की गैस को ख़त्म करती है और दोस्तों बालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों नागर मोथा के साथ एसेंशियल ऑयल बनाया जाता है जो बालों को लंबा घना चमकदार खूबसूरत बनाता है, बालों को गिरने से रोकता है। और दोस्तों सर्दी से होने वाले सर दर्द को भी ये दूर करती है, सर्दी से होने वाले बुखारों को भी दूर करती है। और दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया ये मैदे को ताकत देती है तो ये खाने को हजम करती है। दोस्तों अगर डायरिया हो गया, हैसा का मर्ज हो गया उसके अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ऐसी खवातीन जो डिलीवरी से फारिग हुई हैं तो ये जड़ी बूटी इस्तेमाल करने से दूध में इजाफा हो जाता है। चले दोस्तों ये तो सर नागर मोथा जड़ी बूटी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस बेनिफिट्स सब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों नागर मोथा जड़ी बूटी का जो सेफ यूज़ है इसे आप 1 से 3 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मुस्तनद नुस्खा है तो आप खुद से इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज किसी अच्छे हकीम से मशवरा किए बगैर इसे खुद से इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये गर्म खुश्क होती है। और दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है जिस्म के अंदर बेचैनी पैदा करता है, नींद आपकी उड़ा सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकती है और दोस्तों आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। दोस्तों इस जड़ी बूटी के सफोफ को आप जो है 3 ग्राम तक जो है 1 कप पानी के अंदर जोश दे लें, उसके बाद से छान कर पी लें और दोस्तों इसके तमाम जो बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। चले दोस्तों ये तो थे नागर मोथा यानी साग कूफी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस बेनिफिट्स साइड इफेक्ट्स। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोग के लिए बहुत सारी जो है मालूमती वीडियोस बना के ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। और दोस्तों मजीद किसी भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स आप स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, कोई बीमारी या कोई साइकोलॉजिकल मसला है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, मुझे जॉली अजीम को इजाजत दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।